देखो, हम लोगों ने अभी जो बातचीत की वो किया है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बारे में एक छोटा मोटा डिस्कशन कि आखिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होता क्या है और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से उसको आपको अप्लाई करना है। अब उसी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को अगर मैं पकड़ कर चलूँ, ठीक है, अगर मैं पकड़ कर चलूँ तो तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोरालरीज हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, बहुत ही ज़्यादा तीन इम्पॉर्टेंट कोरालरीज। अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को, तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम समझ गया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको ये जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, है ना। जब आप ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखेंगे तभी आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर बना पाएंगे। वैसे ये सर्कल का पार्ट टू है, मतलब सर्कल दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, जहाँ से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम शुरू हो जाता है वो उसका पार्ट टू होता है। अब इस पार्ट टू में और भी अदर अदर सेक्शंस हैं, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वो भी अपने आप में एक छोटा मोटा सेक्शन है। तो हम एक 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 करके सारे सेक्शंस को ध्वस्त करते जाते हैं, उड़ाते जाते हैं। देखो, द फर्स्ट टॉपिक इज एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ने के बाद अगर आपको ये रिजल्ट नंबर वन नहीं पता तो पता नहीं आपको क्या पता है। ये इतना 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 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यार कि ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है, बहुत आगे काम आएगा। खैर, चलो इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की अगर बातचीत करते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है, लेट से यू हैव दिस सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में ये हो गया आप लोगों का सेंटर। अब आप डायमीटर बना लो। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, है ना। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तुम्हारा मन है तो तुम डायमीटर इस तरीके की सीधी बना लो, ठीक है। तुम्हारा मन है तो तुम डायमीटर इस तरीके की टेढ़ी बना लो, जैसी बनानी है बनाओ, इट्स ऑल अप टू योर मर्जी, जैसा बनाना है बनाओ। बट अगर एक डायमीटर बन गई, ठीक है, लेट से मैंने ये डायमीटर बना ली, ये इस डायमीटर के दो कोने हैं, एक कोना पी एक कोना क्यू। एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल मैडम, एग्री करते हैं हम इस बात से। इसके दो कोने हैं, एक कोना पी एक कोना क्यू, बात खत्म। अब आप एक काम करिए, इन दोनों कोनों को पकड़िए, जैसे अपन क्या करते हैं, चोटी पकड़ते हैं ना, दो चोटियां पकड़ लेते हैं किसी की, वैसे आप इन दोनों कोनों की चोटियां पकड़ लो और इन दोनों कोनों को डॉट 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 तो नहीं बोलूंगी, इन दोनों कोनों को एक्सटेंड करके सर्कल पे कहीं मीट करवाओ। सर्कल पे कहीं भी मीट करवाओ, कहीं पे भी। लेट से मैंने ऐसे मीट करवाया तो ये जो रिजल्ट नंबर वन ये कहता है कि ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल 90 होगा। अगर तुमको ऐसा दिख रहा है कि नहीं नहीं मैडम, मेरी अंदर से फीलिंग मुझे ये कह रही है कि मैडम ये एंगल 90 तो नहीं हो सकता, तो भाई अपनी उस फीलिंग को मार दो। अगर डायमीटर पे, डायमीटर के कोनों ने मिलकर सर्कल पे एंगल बनाया है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, आपके जो डायमीटर हैं, डायमीटर के जो कोने होते हैं, ठीक है, डायमीटर के कोनों ने, ठीक है, डायमीटर के कोनों ने अगर, ठीक है, अगर क्या किया है, अगर सर्कल पे क्या बनाया है, सर्कल पे एंगल बनाया है, ठीक है, एंगल बनाया है, तो अगर उसने सर्कल पे एंगल बनाया है तो 100%, ठीक है, 100% वो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है इसीलिए हमारी बात मान लो, ऐसा नहीं। मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगी यार कि सही में वो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया, लेट से ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तुमने डायमीटर ऐसी बना ली। डायमीटर मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से बस पास हो रही है। तुमने उस डायमीटर के कोने पकड़े,
लेट्स से तुमने एक कोना पकड़ा ये, एक कोना पकड़ा ये, दोनों कोनों को पकड़ के तुमने ऐसा एंगल बना दिया। लो इस बार तुमने ऐसा एंगल बना दिया, अब ये एंगल बन गया। अब तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार मैडम, ये एंगल हमें लग रहा है 30 डिग्री का होगा, नहीं मैडम हमें लग रहा है कि एंगल 40 डिग्री का होगा, तुम्हारे लगने पर डिपेंड नहीं करता यार, ये एंगल 90 डिग्री का ही है, ये 90 डिग्री ही होगा। ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर डायमीटर से कोई एंगल सबटेंड हुआ है तो वो एंगल कितना डिग्री बनाएगा, वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा। और इस चीज़ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहती है, इस रिजल्ट का, इसका जो थ्योरम है, या फिर थ्योरम बोलो, कोरालरी कहो, रिजल्ट कहो, जो भी कहो, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब समझता है ना, नहीं समझता तो चलो मैं बता दूंगी, इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, वो क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। अगर सेमी सर्कल पे आपने एक एंगल बनाया है तो वो कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा, वो एक राइट एंगल होगा। अब यहाँ पे ऐसा वर्ड मैडम क्यों यूज़ किया, सेमी सर्कल, डायमीटर क्यों नहीं बोला? तो देखो, अगर सर्कल के सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब अगर आप एक डायमीटर बना लो, तो सर्कल के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं और उसको सेमी सर्कल ही कहते हैं, तो इसीलिए सेमी सर्कल का, ठीक है, इसीलिए सेमी सर्कल का, बराबर। कि अगर एक आपके पास सेमी सर्कल है, ठीक है, तो वो सेमी सर्कल जो रहेगा वो हमेशा एंगल जो सबटेंड करेगा वो क्या होगा, एक 90 डिग्री का होगा। इसके लिए चलो अपन डायग्राम भी बना लेते हैं, इसको प्रूव भी करके दिखा देते हैं कि सही में ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। ये देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर ओ है, मैंने एक ऐसी डायमीटर बना ली, डायमीटर अगर बन गई है तो मतलब सर्कल के दो टुकड़े हो गए हैं बराबर बराबर, और वो दो टुकड़ों की वजह से ऊपर वाला टुकड़ा वो भी एक सेमी सर्कल कहलाएगा, नीचे वाला टुकड़ा वो भी एक सेमी सर्कल कहलाएगा। तो गीवन मेरे पास क्या है, गीवन मेरे पास ये है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी क्यू इज द डायमीटर, इस पर्टिकुलर सर्कल का पी क्यू क्या है, डायमीटर है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है, ये ऊपर वाला येल्लो पार्ट, ये क्या बन गया, ये एक सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला टुकड़ा है, ये आपके ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का टुकड़ा, ये भी एक सेमी सर्कल बन गया, ये दोनों सेमी सर्कल है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम किस सेमी सर्कल पे अपना एंगल बनाना चाहते हो, तुम ऊपर बनाना चाहते हो कि तुम नीचे बनाना चाहते हो, सब तुम्हारी मर्जी है ना। तो लेट से मैंने ऊपर बना लिया, मैंने इस बोला कि इस पॉइंट पी की चोटी पकड़कर मैं लेकर गई यहाँ, अच्छा रेड कलर ना प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा दूसरा कलर चूज करते हैं। इस पॉइंट पी की चोटी पकड़कर मैं लेकर गई यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट क्यू की चोटी पकड़कर लेकर गई मैं वहाँ पर, ये मैंने देखो एक एंगल क्रिएट कर दिया। अभी क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि अगर कोई एंगल सेमी सर्कल ने बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन वाला ये कहता है कि अगर कोई एंगल सेमी सर्कल ने बनाया है तो सेमी सर्कल वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, ऐसा क्वेश्चन वाला कहता है, और ये बात सही भी है। बट अभी हम इसका क्या देखेंगे, अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे, क्या सही में ये बात सही है कि नहीं है, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, हम ये देखेंगे, ठीक है। हम मानती हूँ मैं कि ये बात सही है, बट अब हम इसका क्या देखेंगे, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, है ना। चलो बढ़े, तो गीवन में और क्या लिखेंगे, गीवन में एक चीज़ और लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू इज सबटेंडेड, सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब होता है बनाया, ठीक है, सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल में बनाया गया है, बढ़िया। अब मुझे इसका प्रूफ देखना है कि क्या सही में वो एंगल 90 डिग्री का होता है कि वो एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इस बात का प्रूफ दो, इस बात का प्रूफ दो। तो बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ, ठीक है, इसके प्रूफ को
करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दो कंसेप्ट हैं. मैं कंसेप्ट नंबर वन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है. कंसेप्ट नंबर टू का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ. हमने अभी जो हमारा प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा. हमने पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये बताओ. हाँ मैडम, पढ़ा. इंस्क्राइब्ड एंगल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में IAT लिख रही हूँ. शॉर्ट फॉर्म आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आप डायरेक्ट पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, बट आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है. जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल के क्या होता है? हाफ होता है. जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल के क्या होता है? हाफ होता है. तो अभी आपके डायग्राम में इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है? आपके डायग्राम में इंस्क्राइब्ड एंगल है PRQ, ठीक है. तो मैं इंस्क्राइब्ड एंगल की जगह क्या लिखूंगी? PRQ. और सेंट्रल एंगल कौन है? अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो सेंट्रल एंगल है ये. सेंटर पे बन रहा है ना ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? POQ. ये हम लोग ऑलरेडी कल यानी कि लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं. ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है. अब कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होगा कि मैडम POQ एंगल नहीं हो सकता ना, वो तो एक लाइन है ना. तो भाई क्यों, एक स्ट्रेट लाइन क्या 180 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती? हाँ, अगर तुम D का इस्तेमाल करके एंगल बनाते हो तो 0 डिग्री का भी एंगल होता है और 180 डिग्री का भी एंगल होता है. फिर अगर तुम 0 डिग्री का एंगल बनाओगे तो एक सीधी लाइन है. हाँ, अगर तुम 180 डिग्री का एंगल बनाओगे तो दोनों तरफ से वो सीधी लाइन है. तो एक सीधी लाइन एक एंगल हो सकती है, ठीक है. अब हम सब जानते हैं कि ये PQ तो डायमीटर है. अगर वो डायमीटर है तो उसने सेमी सर्कल बनाया है. इसका मतलब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा. सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, यानी कि POQ कितने डिग्री का होगा? POQ 180 डिग्री का होगा. बिकॉज इट इज अ सेमी सर्कल, बिकॉज PQ इज अ डायमीटर, ठीक है. बिकॉज PQ इज अ डायमीटर. PQ एक डायमीटर है. PQ इज अ डायमीटर, ठीक है. उसके डायमीटर होने की वजह से वो सेमी सर्कल है, आधा सर्कल. और आधे से आधा सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है. तो इसीलिए यहाँ से देखो ये चीज बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गई कि एंगल PRQ कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री. तो इस रिजल्ट को अपने दिमाग में छाप लो, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत हेल्प करेगा. अगर कहीं आपको ऐसा लिखकर दे दिया जाए कि फलानी चीज एक सेमी सर्कल है, फलानी चीज एक डायमीटर है ना, या आपको ऐसा दिखे कि वो फलानी चीज सेंटर से पास होकर जा रही है, तो वो जो चीज होगी उसकी चोटियां पकड़ के अगर आप सर्कल पे एंगल बनाओगे, ध्यान से सुनना मेरे शब्द, सर्कल पे एंगल बनाओगे, सर्कल के बाहर नहीं और सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के ऊपर अगर आप एंगल बनाओगे तो वह एंगल 90 डिग्री का होगा. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोरालरी थी, रिजल्ट था, ठीक है. अलग से इसको आपको थ्योरम जैसा वर्ड देने की तो कोई नीड है नहीं. कोरालरी, रिजल्ट, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था. आपको इस रिजल्ट को अपने दिमाग में स्टोर रखना है. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायरेक्टली इस रिजल्ट का तुमको यूज पड़ सकता है. ऐसे दो रिजल्ट्स और हैं, ठीक है. ऐसे दो रिजल्ट्स और हैं, हमको वो दो रिजल्ट्स और पढ़ने हैं. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ही जुड़े हुए ऐसे दो रिजल्ट्स और हैं, वो हमको याद रखने हैं. एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल करके एक टॉपिक है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है. कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला टॉपिक में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है. फिर दो थ्योरम्स आएंगे अगेन आपके सिलेबस में, आपको वो दो थ्योरम्स पढ़ने हैं. जब आप इतना पढ़ लोगे ना, तब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो. तब तक के लिए थोड़ा रुको, पहले एक एक करके आपको सारे रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है. ओके, फिलहाल इस डिस्कशन को